यस गाइस चलो देखो, तो अब ये हमने जो पढ़ा वो अभी किसी का कॉपी तो बाकी नहीं है ना, हो गया ना सबका? अब एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक होता है फिक्स पॉइंट पी, सॉरी एक होता है फिक्स पॉइंट एस, तो पी एस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट, इसको आप प्यार से बुलाते हो फोकल डिस्टेंस, है ना? ओके, एक होता है पीएम, पीएम क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू फिक्स लाइन, देखो बेटा ये पी आ गया, इसको नया नाम हो गया ई, इसका नाम होता है इसेंट्रिसिटी, ये एक नई चीज आ गई, बार बार आएगी आपके लाइफ में इसेंट्रिसिटी ई, है ना? अब ये क्या होता है, देखो देखो पी एस तो बहुत सिंपल है ना बेटा? ओके, अब ध्यान सुनो, पी एस क्या हो गया बेटा, एक तरीके से डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट। ओके, एक पीएम क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, है ना? ये अपने पास चीजें हो जाती है, कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा, है ना? अभी 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 आपको याद रखना, ये काम का है, एग्जाम में आएगा, फिर आप कंफ्यूज मत होना इसमें बार बार। ओके, तो अभी जो आपने ये जो आपने ई पढ़ा ना, ई मतलब पी एस अपॉन पीएम, ई पी एस अपॉन पीएम। ओके, तो अब एक तरह से ई क्या हो गया बेटा, ये एक रेशो हो गया, अरे यस, अरे बोलो ना, हाँ यस हाँ तो ये एक तरह से क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ओके, अब देखो बेटा, या तो हो सकता है पी एस पीएम से बड़ा हो, ये वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगी, या हो सकता है पी एस अपॉन पीएम जो हो, मतलब जो ई हो वो इक्वल्स टू वन हो, अरे यस, या पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई हो और वो ग्रेटर देन वन हो, अरे यस, यस सर, वेरी सिंपल। देखो बेटा रेशो है, या तो ऊपर का बड़ा होगा या नीचे का बड़ा होगा, आप सोचोगे कि इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, है ना बेटा? एकदम सिंपल सा फंडा है ना, एकदम सिंपल फंडा है, उसमें कुछ भी अलग से लॉजिक नहीं है, है ना? पी एस वन पी एम ये आप लेके चलो, है ना? तीन चीजें हो गई हमारे पास। देखो अब कुछ नहीं बेटा, अगर ये लेंथ सर देने, इसको अपन बोलते हैं इलिप्स, इसको बोलते पैरा अपन, बोला और इसको अपन बोलते हैं हाइपरबोला, हाइपर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, और जब ई इजिकल टू रूट टू होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा आप मानोगे नहीं, जितना भी पढ़ाया ना, ये आईआईटी के 6-7 क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही पूछते हैं वो, कि इजिकल टू रूट टू बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला, ऐसे पूछते हैं डायरेक्टली, ठीक है? तो आपको याद रखना है, ई लेस देन वन तो इलिप्स, इक्वल टू वन तो पैराबोला, और ई ग्रेटर, ई पैराबोला और ई ग्रेटर देन वन तो हाइपरबोला। अरे यस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? और रूट टू आ जाता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर? सिंपल है, सर रूट टू ही क्यों? उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है ना इलिप्स की, अभी आपने अगर याद हो तो इसेंट्रिसिटी होती है रूट ओवर वन माइनस छोटा अपन बड़ा, याद आया कुछ? हाँ सर,
यस सर। हाइपरबोला में क्या होता है, इलिप्स में होता है, हाइपरबोला में प्लस होता है, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a इक्वल टू b हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो रूट ओवर वन प्लस वन रूट टू। ओके सर, बोलो ना। हाँ यस सर, गॉट इट। ओके चलो, सिंपल फंडे हैं एकदम, बस मन लगाओ खुश हो जाओ। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ वाली दुनिया में, फास्ट राइट डाउन। तुम्हारे सर के पास सब सवाल है, बस तुम पूछो प्यार से। सवाल है या जवाब, जो भी पूछो पूछो प्यार से, बस पूछते रहो, बातें करो, कम्युनिकेशन करो। देखो कई बच्चे ऐसे हैं अभी जो अभी 11 में बोलेंगे, सर ये तो विजन तो खराब हो गया सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, राम सर ऐसा डिफिकल्ट पढ़ाते हैं सर, प्रोफेसर बहुत होमवर्क देते हैं। ये बस बीमारी अंदर चालू मत होने देना, जहाँ आप होमवर्क से पीछे हो गए, जहाँ आप थोड़ा सा आप आगे पीछे हो गए, मन में ख्याल आएगा, पढ़ाई छूटती जाएगी 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 जाएगी, एकदम फैक्ट है ये। हर साल हम देखते हैं 11 के बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं, बस केवल होमवर्क के डर के मारे। एक दिन अपॉइंटमेंट आ गया है कि दिसंबर जनवरी गया, अब आपको क्या होगा, अब आप बोर होने लगोगे इतनी सारी पढ़ाई से, तो आपको राम सर हर दो से चौथे पांचवें दिन थोड़े बुरे लगेंगे, हर 8-10 दिन बाद आपको लगेगा यार प्रथम, जब तक 12th स्टार्ट नहीं होता है, जैसे 12th स्टार्ट हो जाएगा वापस नॉर्मल हो जाओगे, क्योंकि बोर हो जाते हैं हम किसी भी चीज से, तुम्हारा नेचर है ना 16-17 साल का है, हम कोई भी चीजें लंबी नहीं कर पाते, जब भी तो आपको इलेक्शन के लिए 21 की एज बोला जाता है, ठीक है। जब आप अभी अभी आप बहुत अभी जैसे अपन सर्कल से 2 महीने में बोर नहीं हो गए, अभी आज पैराबोला चालू किया तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर 10 दिन बाद इससे ही बोर हो जाओगे, ऐसे 11वीं की खत्म होते होते IIT से बोर होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज सब लोग अब इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है ना अच्छे बच्चे, और जो 4 महीने लड़ लिया और 12th स्टार्ट होने का 1 महीने, तब उसके बाद फिर कोई डर नहीं है, फिर वो सब ललित वगैरह जैसे हो जाते हैं एकदम, खूब सारा पढ़ने वाले, फिर उनको मजा आता है। गाइस जिनका हो जाए प्लीज रिवाइज 2-3 बार पढ़ो, सब यही हो जाता है, चिंता ही नहीं करने का है। ये रूट टू IIT में पूछा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक बार पूछा है, इज इक्वल टू रूट टू इसेंट्रिसिटी ऑफ डॉट डॉट डॉट, एक बार पूछा है इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज व्हाट, 1, 2, 0, √2, तो ये सब इंपॉर्टेंट थे, कुछ भी मिस्ड मिस नहीं करने का थे। 11th वालों, आपका 11th का सिलेबस दूसरी बार खत्म हो चुका है, 11वीं चालू कर रहा हूं, तो जो बच्चों को NCERT लेवल फिर से पढ़ना है फ्राइडे से वो क्लास में फिर से अटेंड कर सकते हैं, और जो बच्चे आपको लगता है कि थोड़े वीक है उनको खुद आप गाइड करो कि सुबह 11 से 12 फिर से पढ़े। हम लोग फ्राइडे से फिर NCERT तीसरी बार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड टाइम NCERT। ओके, और अपना सर इस हिसाब से देखा जाए तो हम 5वीं 6वीं बार पूरा सिलेबस करने वाले होंगे, 100% एडवांस भी तो करी है, 100% करने वाले, तुम पक्का करने वाले हो इसलिए। और अभी तो क्या NCERT का एक एक क्वेश्चन कराया, अगर मैं थोड़ा जल्दी करता तो एक और जल्दी हो जाता दिवाली में, तो अभी आप लोगों का जिन जो जो बच्चे आपकी क्लास में, अच्छा देखो आपकी क्लास में जो बच्चे आपको लगते हैं हल्के से वीक है, देखो गाइस सब लोग ध्यान से सुनो, IIT रेशियो चल रहा था PS अपॉन PI, ओके, अभी इसके थोड़े से मोजे लेते हैं, मोजे क्या मोजे लेते हैं, तो देखो अब अपन कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुना सब लोग, ध्यान सुना, अभी मैं छोटा छोटा ज्ञान दे रहा हूँ, बाद में डिटेल में टॉपिक पे आऊंगा, है ना। हमने एक पॉइंट लिया, और ऐसा एक डायग्राम बनाया, ये पैराबोला होता है बेटा,
ये जो होता है ये इलिप्स जैसा होता है बेटा, और ये यस बेटा इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये होता है इलिप्स, ये तो हाइपरबोला। यस एक और आ जाता है आपका छोटा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस है ना, एक छोटा सा डायग्राम ताकि आपको याद आ जाए थोड़ा थोड़ा सा, कुछ इसमें ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा बहुत डिटेल में नहीं है, सिंपल सा फंडा है ना। ये फोर टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स का होता है, ये वन टाइप के होते है ना सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में वर्टेक्स होता है? गुड क्वेश्चन, वर्टेक्स होगा ही नहीं ना इसमें, देखो फोटो कहीं वो काट ही नहीं रहा उसको। हाँ सर ऐसा लग तो रहा है। बस गुड गुड ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड बेटा, गुड ऑब्जर्वेशन। देखो बेटा इसकी जनरल इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी जनरल इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसकी जनरल इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और इसकी होती है बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या एक और तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर ये सी ए बी ये क्या है? कांस्टेंट, ए बी सी आर कांस्टेंट, ए बी सी आर कांस्टेंट एंड रिलेटेड टू इसेंट्रिसिटी, एंड रिलेटेड टू इसेंट्रिसिटी। यस गुड, चलो गाइस राइट ऑन दिस, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज राइट ऑन एक रफली डायग्राम। मान प्रॉपर्ली कॉपी करो, अच्छा है डन सर। वेरी गुड वेरी गुड, दिल में डाल दो जल्दी से अंदर।
सर रेक्टेंगुलर हाइपल बोला मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो नहीं होगा? नहीं बेटा, एक्स के देखो आप तुमने पूछा क्या उसको थोड़ा सोचो, अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको कॉपी करो। अब तुम सोच पूछते हो ना, उसको थोड़ा सा सोचो खुद ही। नहीं होगा। राइज डन? यस हाँ सर, पक्की है? वेरी गुड, बाकी वाले वेरी गुड, बिल्कुल प्यार से कॉपी करो। ये गुप्ता जी को तो सब रात को पहले पढ़ लेती है, सुबह जल्दी जल्दी लिख लेती है। इसके अपन को फास्ट नहीं करना है, इसके चलते एकदम प्यार से लिखो। गुप्ता जी कितने घंटे पढ़ती हो रोज? सर 11 घंटे। मेरे घर पे इधर ही रह के पढ़ना है, उत्सव राम लखन सब इधर ही रहेंगे, 6-6 घंटे सब इधर ही रहेंगे पूरे टाइम। जाने का ही नहीं, वहीं रह के पूरे टाइम पढ़ना। सर बेटा बुलाओ ना। मैं भी आ सकता हूँ? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं। तुमको बुलाया तो था, सबने बहाने किए बिचारी, बस एक गुप्ता जी थे जो आखिरी मोमेंट तक आना है, बाकी सब किसी को। मैं तो आना है, आप बोलो टाइम क्या रहने दो। केवल कुलदीप एक बच्चा था जो आया, और एक गुप्ता जी बच्ची थी जो लास्ट मोमेंट तक थी कि आ जाऊं सर। कुलदीप तो बेचारा आके गया, बाकी सब बच्चे किसी को डिस्टेंस है, किसी को फिजिक्स के डाउट पूछना है, किसी को बस नहीं है, किसी का कोरोना है। देखो बेटा अभी एक बच्चे ने बोला कि सर ये एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछो, क्वेश्चन पूछना चाहिए, मगर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अपन लॉजिकल समझे इसको। सर ये जीरो नहीं हो सकता क्या? इसका मतलब तो क्या होता है, x square is equal to y square, इसका मतलब क्या होता है x equal to y, अरे भाई ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाता, क्योंकि पावर 1-1 हो जाती ना। क्रिएटिव जब सोचने लगोगे ना तो तुम्हारे माइनस मार्किंग वाले मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि अभी इस बार जो संडे को टेस्ट था उसमें कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं किया सबका, है ना, तो इसलिए आपके माइनस मार्किंग वाला आपको हटाना है ना। तो यू हैव टू डू लाइक कि व्हाट, मैं क्या पूछ रहा हूँ उसको मैं खुद सुनूं पहले। ओके गाइस, देखो ना कि रफली वाला आज एक पूरा अपने डिस्कशन किया, कोनिक सेक्शन बोलते हैं इसको, पैराबोला नहीं चालू किया, दिस इज कोनिक सेक्शन, पैराबोला कल आएगा, ये कोनिक सेक्शन था, चारों टॉपिक्स मिक्स। हाँ देखो, अगर आप आईआईटी बड़े लेवल पे पढ़ रहे हो, मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आज कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, उनको पता नहीं था नए टॉपिक का। एक तो क्लास में सब लोग बोल देना, अपने दोस्तों को भी जिसको पता नहीं हो कि एक तो फ्राइडे से एनसीईआरटी फिर से चालू हो रहा है, और कल आपका पैराबोला स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर, इसका टॉपिक नंबर 1, ठीक है? चलो हरे कृष्णा। सर मेरे क्लास वाले तो आते भी नहीं है। अरे वो लोगों का तो क्या मन, 12वीं के पीछे ही पढ़े हो तो 12th